क्रिश्चियन समुदाय का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस की धूम पूरे बिहार झारखंड में देखने को मिली। क्रिश्चियन समुदाय के लोग प्रभु यीशु के जन्म के मौके पर एक दूसरे को बधाइयां और तोहफे देकर ये फेस्टिवल मना रहे हैं। क्रिसमस के दिन से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस टाइड की भी शुरुआत होती है। क्रिसमस की छुट्टियों में एक दूसरे को उपहार देना, चर्च में समारोह और विभिन्न सजावट करना शामिल है। इस सजावट के प्रदर्शन में क्रिसमस का पेड़, रंग बिरंगी लाइटें, यीशु की जन्म की झांकी और होली आदि शामिल है। वहीं इस वर्ष कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के गाइडलाइन के तहत अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं करना था, जिसे लेकर कुछ ही लोग चर्च के अंदर प्रवेश किए और प्रभु यीशु के समक्ष मोमबत्तियाँ जलाई और प्रार्थना सभा में भाग लिए। कई लोग बाहर से ही प्रार्थना किए। लोगों ने कहा कि इस वर्ष क्रिसमस थोड़ा फीका रह गया। मैं मनेकार गोल बिल्डिंग 36 फ्लैट से आई हूँ। हर साल आती हूँ चर्च में, लेकिन इस बार कोरोना के कारण भीड़ नहीं हुआ और अच्छा भी नहीं लगा, अंदर जाने भी नहीं दे रहा था। तो हम लोग बहुत कोशिश किए, तब हम लोग तब जाने को मिला, जब हम लोग अंदर गए। कैसा लगा? हर साल अच्छा लगता है, लेकिन इस बार अच्छा नहीं लगा कोरोना के कारण। हाँ, कोरोना ने जो हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, और इस बार कोरोना के चलते हम लोग का इस बार बहुत डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ा, और इस बार रात में हम लोग का मास भी नहीं हुआ। और दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस्टिवल फॉर क्रिश्चियन, एंड आई रियली लाइक टू एंजॉय, एंड मोस्टली ऑल पीपल्स आर गैदरिंग, बट दिस टाइम ओनली सोशल डिस्टेंसिंग इज हैपेंड, एंड ड्यू टू दैट वी आर हैव टू टेक केयर ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग। तो आए हैं मनेटार गोल बिल्डिंग से, और हर साल आते हैं, और यहाँ पे आने से थोड़ा सा सुकून मिलता है, हम लोग को अच्छी लगती है, जाके कैंडल उंडल जलाते हैं, क्रिसमस डे से प्रार्थना करते हैं हम लोग। इस बार कोरोना, हाँ, कोरोना का वजह से तो भीड़ भी नहीं हुआ है और अच्छा भी नहीं लगा, इस बार उतना मजा नहीं आया। क्या नाम है आपका? हमारा आशा देवी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था, इस वजह से कुछ ही लोग चर्च के अंदर गए और प्रार्थना सभा में भाग लिए। वहीं कई लोग बाहर से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रार्थनाएं की और प्रभु यीशु से दुआएं मांगी। वहीं इस मौके पर कोयलांचल के संत एंथोनी चर्च में शुक्रवार की सुबह मोमबत्तियां जलाई गई और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। मौके पर युवा वर्ग में काफ़ी उत्साह देखा गया। पूरे चर्च की साज सज्जा देखते ही बन रही थी। मालूम हो कि क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है।